गाइस द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार भाई साहब, कश्मीर का भी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन सामने आ चुका है, जो कि बिल्कुल ऐसा हुआ है और बताया जा रहा है कि उसके अंदर हेलीकॉप्टर्स भी यूज हुए। ना यार, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर्स यार बहुत बड़ी बात हो यार। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे आखिर कैसे, मतलब कश्मीर के अंदर हेलीकॉप्टर्स भी यूज हुए इंडिपेंडेंस डे पर। तो कौन ऑन करते स्टार्ट? वंदे वंदे वंदे। तो पाकिस्तान को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूंगा कल। अबे तो भूल गया, निछावर कर रहे हुए, ये परमानेंट है सारा। ओ भाई बढ़िया बड़ी, मैं कश्मीरी फिरा लगा के रोफ कर रहे थे, ठीक है। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? अलग ही बहुत अच्छे से होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज 15 अगस्त है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं बख्श स्टेडियम की तरफ। तो हाँ, आज मैं घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रात बरना में जा गई था, आपको पता है का 14 अगस्त। अल्लाह बहुत लेट आ चुके घर, फिर मैं 12-1 बजे तक एडिटिंग, सुबह 4-5 बजे तक अपलोड हो रहा था, जो आपको पता है फोन डाटा से करना पड़ता है, ठीक है। फिर सुबह 6 बजे 7-8 बजे ने कॉल किया, तो अभी तक जा गया। ये कश्मीर है ना, खुद भी सोया ही नहीं, सिर्फ मैंने 2 मिनट नींद की। ये तो खूबसूरत बना दिया, वही ना वही सीन है, बस पुराना नींद की वजह से चेक कर रहा है। ये छोटी वाला सामने खड़ा है, क्या कर रहा हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो, लालम चल रहे, देखते हैं क्या सीन रहेगा। ओके गाइस, अभी ना हम बख्श स्टेडियम पहुंचने वाले हैं जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे। देखिए रास्ते में ना हमको बहुत बार रोका, बोला भाई पास पास तो हम वहाँ पे जाएंगे, अगर पास मांगा तो नहीं जा पाएंगे, हमारे पास घूम रहे हैं। गाइस ये रहा बख्श स्टेडियम, अभी देखते हैं गेट कहाँ से इसका, इसके ना बहुत सारे गेट है। ओके गाइस, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे ना लाइन पे रहना पड़ रहा है। कौन सा भाई स्टूडियो? अंदर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ऑल कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन से पहले आपको। ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितनी ज्यादा लाइन है, ये देखिए। अब यहाँ पे ना पहले वेट करना है, उसके बाद अंदर जाने के। गाइस फाइनली पहुंचे हम बक्स स्टेडियम, आज ना मेरा यहाँ पे पहली बार ही आना है, तो देखते हैं कहाँ पे बैठेंगे। यार क्रिकेट ग्राउंड है, मुझे लगता है वहाँ से वो VIP सब है ना भाजी, उस साइड। गाइस अभी अभी ना एक और ने सुपर थैंक्स भेजा, उनका नाम है अभिलाष रॉय, उन्होंने 500 रुपीज का सुपर थैंक्स भेजा है, तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका प्यार और सपोर्ट करने के लिए, है ना भाई। देखिए गाइस, यहाँ पे कितने सारे स्कूल के बच्चे आ चुके हैं, देखिए बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लोगों को ट्रक की भर्ती के पीछे लगाया हुआ, ये दुनिया देख लो हमारे आ चुके हैं गवर्नर, ये देखिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ से नहीं दिख रहा क्योंकि थोड़ा सा दूर ही है इसी वजह से। ओके सॉरी गाइस, इतनी जूम कैपेसिटी नहीं है मेरे बंदा फोन में। अब जैसा सर अरबा हंस रहा है, लेकिन सच में जूम कैपेसिटी नहीं है, इससे आगे तो नहीं जा सकता। बैलून छोड़ दिया गया वहाँ से, देखिए ओ बैलून, ये देखिए गाइस गवर्नर साहब यहाँ पे ना गाड़ी में राउंड कर रहे हैं, ये देखिए ग्राउंड का, ये देखिए गाइस वो, ये मीडिया सब आते हैं ना आगे से, मीडिया भाई मीडिया क्या भाग रही है, रेस कर रही है आप अभी। गाइज यहाँ से ना कुछ दिख रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना वो स्पीकर्स वहीं पे खाली लगे हुए, यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, आगे तो नहीं जाने दे रहे वो, वहाँ पे जा सकते हैं मतलब थोड़ा सा आगे, हमको थोड़ा सा दूर ही रहना पड़ रहा है। पर इनका वो देखो, इतनी धूप में वहाँ पे खड़े है ना, 1-2 घंटे क्या बना हुआ है। ओह ये तो फुल मॉल है भाई, ये देखो ना, मैंने बोला है लोग ही आएंगे, जाओ गवर्नर साहब तकरीर करेंगे। और इधर तो भाई साहब फूल ग्राउंड के ऊपर, फूल ग्राउंड के ऊपर, ये सारे लोगों पे बरसात कर दी, ये देखो इन पे भी गिरे हैं। ये पहली दफा हुआ है जम्मू कश्मीर में, हेलीकॉप्टर से फूल बिछवा, तरफ से ये पीछे हुए, ये देखिए कमाल यार, ये देखो गुलाब रोज, देखो पाकिस्तानियों की कश्मीर बन गया भारत, फूलों की खुशबू इधर आ गया मां। हम्म,
कोई बोलता था ऐसा होगा। ये देखिएगा इस कैसे चल रहे हैं, ये देखो ये तो मलेशियन नहीं है, नहीं वो है। देखिएगा इस बैंड परफॉर्मेंस चल रही है, दूर था। दिख रहा अभी मैं ज्यादा ज़ूम करूंगा, बड़ा लोग आया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर ही आया, बड़ा क्राउड है। लेडीज भी आई हुई है, लड़के आए हुए हैं, बच्चे आए हैं, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। फिलहाल तो अभी धूप लेनी है, धूप लेनी है, धूप सुबह से ले रहे हैं। मौसम अच्छा है यहाँ पर, ओके। उसके बाद हम घर निकलेंगे खाना खाने के लिए, हाँ। तो रेस्ट करके अच्छे से निकलेंगे, फिर आपको पूरा प्लान बताएंगे क्या करें। यहाँ पे ना कश्मीरी फिर लगा के रफ कर रहे थे, ठीक है। अच्छा कश्मीरी, वहाँ पे देखिए जिमनास्टिक होगा, आप वहाँ पे इतना जूम तो नहीं हो रहा है, अब जितना हो रहा है उतना मैं दिखा रहा हूँ, पूरी कोशिश आपको दिखाने के लिए। लेकिन बाबा रश बहुत है, बहुत रश। ये देखो झंडा ही झंडा यार मेरे भाई, ये तो पार का मॉडल है, हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से छोड़ दिया। इतनी ज्यादा भीड़ थी किसी ने सोची ना होगी, फाइनली आ चुके हम बाहर। लेकिन तोहर भाई हम कहाँ हैं, हम पता नहीं कहाँ बाहर भी राशन दिखाई नहीं दे रहे, हम कहाँ हैं सर भाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उधर से ना हम दूसरे गेट से आए, यहाँ से दूसरे गेट से छोड़ दिया बहुत देर निकलने के बाद, और यहाँ से देखिए ये बक्स स्टेडियम का डिजाइन जो मैंने आपसे पहले देखा है, हमारा कश्मीर इतना खूबसूरत नहीं है। हमको ना यहाँ से यहाँ से ना वो हमको अलाउ नहीं किया कि पास नहीं था हमारे पास, इसलिए चलते हैं। मोदी जी भी सौदे के कदमों में फेंका है, जेल से छूट गया सर, ये खुश ना हो तो क्या। देखो G20 का भी लगा हुआ लोगो, दिन भर वहाँ धूप में थे बक्स स्टेडियम में, तो अभी फाइनली घर पहुँच चुके। तो अभी अभी ना मेरे एक और सब्सक्राइबर ने सुपर थैंक्स भेजा है, उनका नाम है किलो विक्टर, KILOVICTOR, उन्होंने 179 rupees का सुपर थैंक्स भेजा है। क्या बात है, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, प्लीज घर से सपोर्ट करते रहे। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और मैं निकला अभी घंटाघर के लिए, वहाँ पे देखते 15 अगस्त पे वहाँ घंटाघर में पता चले फिलहाल निकलते। उससे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उनका नाम है समीर जे, उन्होंने मुझे $2 का सुपर थैंक्स भेजा है। सच में मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, इतना प्यार मोहब्बत है जी, मोहब्बत है भाई। देखो हर भारतीय कश्मीरियों से कितनी मोहब्बत करता है, सही बात। उसके बाद जाते हैं डायरेक्ट घंटाघर और इधर कहते हैं जहांगीर चौक के पास। ये देखिए यहाँ पे 15 अगस्त पे कितना सजाया गया है, ये देखिए देखिए। परसों मैंने आपको दिखाया था लेकिन उस ना लाइटिंग ये सब नहीं थी, चेक कीजिए 15 अगस्त पे यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है ब्रो, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी ना यहाँ पे वो कल के टेंट लगे हुए हैं, उठा रहे धीरे धीरे, ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, बिल्डिंग से जाइए वहाँ से देखिए। अभी ना यहाँ पे परू भाई भी है, पहले मैं उसको ढूंढता हूँ फिर अच्छे से दिखाता हूँ आपको, ओके। ये देखिए गाइस जो फाउंटेन लगा है यहाँ पे, ये देखो टाइल लगी है, की गई है, ये देखिए ये मोदी जी ने भाई थी ना G20 के लिए, याद हो पूरे कश्मीर के लिए भाई साहब, पूरे कश्मीर को चमका दिया। इस वक्त इस रोड आप देख रहे हैं, इसलिए तो तिरंगों को पहराया जा रहा है, ये है देशभक्त, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चे नारी महिला पुरुष सब हैं। गाइस ये देखिए आप जानते होंगे जो कल यहाँ पे इसका टैटू लगाया हुआ ना सर पे इंडिया परमानेंट, ये देखिए आज इसने पूरा कलर किया पूरी बॉडी में, ये देखिए घंटाघर बहुत प्यारा लग रहा है। वंदे हमारा तिरंगा भाई देखो इंडियन आर्मी बहुत बड़े फैन है ये टैटू बनी हुई जम्मू कश्मीर का, हेलीकॉप्टर बनाओ पीछे क्या क्या बनाया हुआ। इधर हुई है वीडियो खत्म यार भाई, सब अंदाजा लगाओ आप लोग कि भाई वहाँ पर ग्राउंड में ये लोग गए हैं और वहाँ के नजारे क्या थे, वो यार ग्राउंड को चमका के रखा, इंडियन फ्लैग ही फ्लैग, इंडिया के रश कितना था और बाहर लोग इंतजार कर रहे थे अंदर जाने के लिए, और उन्हें जगह ही नहीं मिल रही थी, अंदर परेडे चली है और भाई साहब हेलीकॉप्टर गुजरा उसने फूल पूरे बरसाए हैं, और यार देखो
जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया। जम्मू कश्मीर की तारीख रकम कर दिया, ये जो फूल ग्राउंड में निछावर किए गए, पहले कौन करता था यार? कोई भी नहीं भाई साहब, कांग्रेस के दौर में तो कोई नहीं। और भाई पाकिस्तान के पाकिस्तानी लोग कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहां पर तो कश्मीर बन गया है भारत। आज देखना अपनी आंखों से लाला, वहां पर क्या, और इंडियन तिरंगे पूरे ग्राउंड में लहरा रहे थे, पूरे कश्मीर में लहरा रहे थे, लाल चौक पर, लाल चौक पर नारे लगा रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन भाई भाई। ये देखा है, बंदे ने सारे पीछे वो लगाया टैटू, इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर टैंक, ये तो प्यार है, ये देखो ना वो कश्मीरी लोग हैं सारे, सारे ये काम कर रहे हैं, मुसलमान है। और खूबसूरत कितना हुआ हुआ था भाई कश्मीर, वो तो एक अलग ही लेवल था, टाइले लगी हुई है, पहचान नहीं सकता वाकई जम्मू कश्मीर यार, पता ही नहीं लग रहा वो पहाड़ी लग रहा है। देख कितना ब्यूटीफुल किया हुआ, खूबसूरत किया हुआ। और बाबा वहाँ पर गवर्नर स्पेशल आए जी, और वहाँ पर परेडें चली, परेडें चली है, क्या क्या किया है वो लला, जिमनास्टिक वहाँ पर हुई है। और भाई जब जब लोग बाहर निकले तो इंडियन तिरंगे पकड़ के, तो बाहर कितनी रश थी, और इंडियन तिरंगों के साथ, इंडियन और लाल चौक में क्या सेलिब्रेशन, उधर तो एक अलग ही, लाल चौक में जो वो सजाया हुआ था वो एक बहुत मस्त था। बाहर का जो इमारतें हैं वो देख, इंडियन फ्लैग से वो कैसी है, वीआईपी और लाइटिंग से जगमगा रही थी। तो भाई साहब ये भाई हमें भी जवाब है कि भाई देख लो कश्मीरी लोग कितना खुश है। मेरे भाई जम्मू कश्मीर में शांति है, अमन है, सब कुछ। आज इस चीज का सबूत मिल गया, आज इस चीज का सबूत भी दे दिया कि वहाँ पर उधर ऊपर से हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। हमारा मीडिया बताया ना, नहीं बताएगा, फिजा खलीफा किधर बताएगा, नहीं बताएगी। तो यार आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म कर दो।